सिरोही के पिंडवाड़ा में बिरसा मुंडा की जयंती पर कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कोटा के खादौली में देवउठनी ग्यारस के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई पार्वती नदी में श्रद्धा की डुबकी। बैतूल माताप्ती की नगरी में निकाली गई बाबा खाटू श्याम की भव्य निशान यात्रा। बैतूल में बाल दिवस के अवसर पर एक दिन का शॉर्ट बॉल टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। पैंथर एवं डायनामिक टीम के बीच हुआ फाइनल मैच। जिला कांग्रेस कार्यालय गोजा में जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर किया गया जन जागरण अभियान का आयोजन। जावरा कालूखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया मूर्ति का माल्यार्पण। महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान में जयपुर पहुंचकर सपोटरा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा सपोटरा के चुनाव में दिनेश मीणा को निर्विरोध अध्यक्ष गया चुना। पाली में मतदाता सूची सत्यापन एवं पुनरीक्षण शुद्धिकरण के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नीमका थाना में पैन इंडिया एवं आउटरीच कैंप का हुआ आयोजन। झालावाड़ में सबका साथ सबका प्रयास से होगा राष्ट्र निर्माण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। महेंद्रगढ़ के रामगढ़ खेड़ी में शादी समारोह से लौट रहे परिवार हुआ हादसे का शिकार। मौके पर महिला की हुई है मौत, दो लोगों की लापता होने की आई है खबर। झालावाड़ में सर्व समाज के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह का किया गया आयोजन। बराई जिले के प्यागपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाल दिवस के अवसर पर किया गया शानदार कार्यक्रम का आयोजन। गंगापुर में खाटू श्याम जी मंदिर में धूमधाम से खाटू श्याम जी के जन्म उत्सव का किया गया आयोजन। बहराइच में अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिला शाखा की बैठक हुई स्थित डाक बंगला में संपन्न। रियाबड़ी में रोडवेज बस ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, टक्कर में मोटरसाइकिल सवार दो युवक हुए गंभीर रूप से घायल। बाड़मेर मेघवाल समाज शैक्षणिक एवं शोध संस्थान में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। शाहपुरा में त्रिवेणी धाम में हुआ सामूहिक विवाह का आयोजन, जिसमें 11 जोड़े बंधे पड़े नए सूत्र में।